दिनेश कुमार शर्मा, प्राध्यापक इंग्लिश, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बगरू। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन 8 का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। बिल लेड मी इनटू फ्रीड्स। बिल मुझे फ्रीड्स में ले गया। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे? क्या आपने ओलिवर लुटकिंस को आज यहाँ देखा? फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसका मित्र, लुकिंग फॉर हिम, उसकी तलाश कर रहा है। सैड बिल चेयरफुली, ये बात बिल ने प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पर पूछी। फ्रीड्स लुकड एट मी, फ्रीड्स ने इसकी तरफ देखा। हाइडिंग बिहाइंड बिल, और मैं बिल के पीछे छुपा हुआ था। ही हेजिटेटेड, वह थोड़ा हिचका। एंड देन एडमिटेड, और फिर उसने स्वीकार कर लिया। यस ही वॉज इन हीयर ए लिटिल वाइल एगो, कि यहाँ वो थोड़ी देर पहले यहाँ था। गैस ही इज गोन ओवर टू गुस्ताफ्स टू गेट ए सेव, अंदाज़ा लगाता हूँ कि वो गुस्ताफ की दुकान पर सेव बनाने के लिए गया होगा, दाढ़ी बनाने के लिए। वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, कि ठीक है यदि वो यहाँ पर आए तो उसे बता देना कि मैं उसको ढूंढ रहा। वी ड्रोव टू गुस्ताफ्स बारबर शॉप, फिर हम जो नाई की दुकान थी गुस्ताफ की वहाँ चले गए। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, पुनः बिल ही अंदर पहले गया। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं दरवाजे पर ही रहा, पीछे रहा। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेड बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंस, उसने एकमात्र स्वेड से ही नहीं पूछा बल्कि दो वहाँ पर जो कस्टमर थे, ग्राहक थे, उनसे भी पूछा कि उन्होंने लुटकिंस को देखा था क्या। द स्वेड हैड नॉट, स्वेड ने नहीं देखा था। ही सैड एंग्रीली, वह गुस्से से बोला। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा है। एंड डोंट केयर टू, और उसकी मैं परवाह भी नहीं करता। बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओव्स मी, अगर वह तुमको मिल जाए ना तो तुम उससे $35 जो मेरे उसमें आते हैं कलेक्ट कर लेना, ले लेना। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल, उन ग्राहकों में से एक ने सोचा यानी बताया, ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट, कि मैंने लुटकिंस को मुख्य गली में चलते हुए देखा था इस होटल के तरफ। एज वी क्लाइम्ड बैक इन टू द हॉक, जब हम घोड़ा गाड़ी में पुनः चढ़े, बिल कंक्लूडेड, बिल ने निष्कर्ष निकाला, दैट सिंस लुटकिंस हैड एक्सोस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताफ्स, क्योंकि लुटकिंस ने खो दिए एक्सोस्टेड यानी खो दिए क्रेडिट यानी साख खो दिए गुस्ताफ की दुकान पर। ही हैड प्रोबेबली गोन टू ग्रेज फॉर ए सेव, तो संभवतः वो ग्रे की दुकान पर सेव के लिए गया होगा। एट ग्रेज बारबर शॉप, ग्रे की नाई की दुकान पर, वी मिस्ड लुटकिंस बाई ओनली 5 मिनट्स, लुटकिंस को हमने 5 मिनट से खो दिया, अर्थात 5 मिनट पहले वो वहाँ से चला गया। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, और वहाँ बताया गया कि संभवतः वो पूल रूम के लिए चला गया। पूल रूम का मतलब जुआ घर। एट द पूल रूम इट अपियर्ड दैट ही हैड जस्ट बोट ए पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गोन आउट, और जुआगर पर इट अपियर्ड, हमको मालूम चला, दैट ही हैड जस्ट बोट ए पैक ऑफ सिगरेट्स, कि सिगरेट का एक पैकेट खरीदा, एंड गोन आउट, और चला गया। सो वी परस्यूडेड हिम, इसलिए हमने उसका पीछा किया। जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, बिल्कुल उसके पीछे पीछे ही, लेकिन कभी भी उसको पकड़ नहीं पाई। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, जब तक 1 नहीं बज गया ना तब तक, 1 घंटे तक हम उसका इसी प्रकार पीछा करते रहे। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, बट आई हैड सो
enjoyed Bill's rough country opinions about the neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. मैं भूखा था, लेकिन मैं बिल के जो थे ना रफ काउंट्री ओपिनियंस, रूखे देहाती विचार राय, उससे मैं इतना एन्जॉयड था, इतना आनंदित था। और विचार किसके बारे में? अबाउट द नेबर्स, पड़ोसियों के बारे में। दैट की आई स्केर्सली केयर्ड, कि मैंने मुश्किल से परवाह की वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट, कि मुझे लुटकिंस मिले या नहीं मिले इसकी परवाह नहीं की मैंने। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया कि कुछ खा लें कैसा रहेगा। लेट्स गो टू ए रेस्टोरेंट, चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। एंड आई विल बाई यू लंच, और मैं तुम्हारा लंच भी खरीद लूँगा। वेल आई ओट टू गो होम टू द वाइफ, कि मुझे घर पर जाना चाहिए पत्नी के पास। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, मैं इन रेस्टोरेंट की परवाह नहीं करता। ओनली फोर ऑफ देम एंड दे आर ऑल बैड, कि केवल चार ही हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट और सब के सब बैड हैं, ख़राब हैं। टेल यू वाट वी विल डू, बताओ तुम क्या करोगे। टेल यू, तुम बताओ हम क्या करेंगे। वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप ए लंच फॉर अस, कि हम पत्नी के पास चलेंगे और हमारे लिए लंच पैक करवा लेंगे। शी विल नॉट चार्ज यू मोर, वह तुमसे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी, यानी ज़्यादा पैसा नहीं लेगी। देन हाफ ए डॉलर, आधे डॉलर से ज़्यादा। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीसी मील इन रेस्टोरेंट, इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीसी मील इन, और तुम रेस्टोरेंट में तेलीय भोजन खाओगे ना उसका तो ज़्यादा लगेगा। एंड वी विल गो अप टू वेड्स हिल, फिर पैक करवा के, बहुत लंच पैक करवा के हम वेड्स हिल चलेंगे। एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट, और जब हम खाएंगे तो वहाँ के दृश्य का आनंद लेंगे। आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट एंटायरली मैटर ऑफ ब्रदरली लव, मैं जानता हूँ कि बिल की जो है ना मदद कर रहा है वो टू द यंग फेलो, इस युवा साथी की, फ्रॉम द सिटी जो शहर से आया है, वॉज नॉट एंटायरली मैटर ऑफ ब्रदरली लव, ये केवल एक भाई का प्रेम ही नहीं था। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, मैं उसे उसके इस समय के लिए मैं चुका रहा था, यानी पैसे दे रहा था। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स, अंत में मैंने उसको 6 घंटे का पैसा चुकाया, इंक्लूडिंग द लंच आवर, और 6 घंटे में 1 घंटा लंच का भी था। एट वाट वाज देन ए वेरी हाई प्राइस, और उस समय ये बहुत तेज़ बहुत ही कीमत, यानी ज़्यादा कीमत थी। बट ही वाज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा बेईमान नहीं था। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, और मैंने ये सारा खर्चा फर्म से वसूला था। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ, लेकिन यह बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, लेकिन क्योंकि वो मेरे साथ था ना तो उसको ये चुकाना भी क्या था, ज़्यादा अच्छा था। हिज चेयरफुल काउंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू ए काउंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी, उसका जो था ना चेयरफुल प्रसन्नतापूर्वक काउंट्री विजडम देहाती बुद्धि वॉज वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत ही तरोताज़ा करने वाली थी, टू ए काउंट्री मैन लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसे देहाती लड़के के लिए, हु वॉज सिक ऑफ द सिटी, जो शहर के जीवन से तंग आ चुका था। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, जब हम पहाड़ी के टॉप पर बैठे, शिखर पर बैठे, लुकिंग ओवर द पॉस्चर्स, घास के मैदानों को देखते हुए, पॉस्चर का मतलब घास के मैदान, एंड क्रीक और घाटी विच स्लिप्ड अलोंग द ट्रीज, जो पेड़ों के सारे सारे चली गई थी। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मुलियन, उसने न्यू मुलियन के बारे में बातें की। एंड पेंटेड ए पिक्चर
इन वर्ड्स और शब्दों में एक चित्र अंकित कर दिया ऑफ ऑल द पीपल इन इट, इसके अंदर जो रहने वाले थे लोग उनका शाब्दिक चित्रों में वर्णन कर दिया। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, उसने प्रत्येक चीज़ पर ध्यान दिया, बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं था कि वो लोगों पर कितना हंसता था। ही आल्सो अंडरस्टूड एंड फॉर गेव देयर फुलिशनेस, वह उनकी मूर्खता को समझता भी था और माफ भी कर देता था। ही डिस्क्राइब्ड द मिनिस्टर्स वाइफ, उसने मिनिस्टर की पत्नी का वर्णन किया, मिनिस्टर का मतलब पादरी होता है, हु सेंग द लाउडेस्ट इन चर्च, जो चर्च के अंदर सबसे तेज आवाज़ में गाती थी। वैन सी वाज मोस्ट इन डेबिट, जब वो ज़्यादा ऋण में हो जाती थी। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज, उसने उन लड़कों पर भी टिप्पणी की, हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स, जो सुंदर कपड़े पहनकर कॉलेज से लौटते थे। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर्स, उसने वकीलों के बारे में बताया, हुज वाइफ, वकील, यही वकील है, वकील के बारे में बताया, हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ ए कॉलर एंड ए टाई ऑन द सेम डे, एक वकील के बारे में बताया जिसकी पत्नी कभी भी सफल नहीं हुई इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ ए कॉलर एंड ए टाई ऑन द सेम डे, एक ही दिन उस वकील को कंठाहार और टाई दोनों एक साथ पहनाने में कभी सफल नहीं हुई। ऑन दैट डे आई केम टू नो, उस दिन मुझे मालूम चला, न्यू मुलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर, आई केम टू नो, मुझे मालूम चला न्यू मुलियन बेटर देन आई डिड द सिटी, कि जितना शहर लगता था ना मुझसे उससे ज़्यादा अच्छा लगने लग गया, एंड टू लव इट बेटर, उससे और ज़्यादा अच्छा प्रेम करने लगे न्यू मुलियन से। बिल डिड नॉट नो अबाउट कॉलेजेस, बिल कॉलेज के बारे में नहीं जानता था एंड सिटी शहरों के बारे में नहीं जानता था, बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड ए लॉट ऑफ द कंट्री, लेकिन उसने बहुत बड़े देहात में यात्राएं कर ली थी, एंड हैड हैड ए लॉट ऑफ जॉब्स, और कई तरह के काम भी कर लिए थे। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक ए फिलोसॉफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफर, और उसके जो साहसिक कार्य थे ना उन सब से उसने एक ऐसा दर्शन प्राप्त कर लिया था, किसका, सिंप्लिसिटी का और लाफर का, सादगी का और हंसी का। ही स्ट्रेथंड मी, उसने मुझे मजबूत बनाया। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स, हमने फिर वो घास के मैदानों का और जंगलों का दृश्य, शांतिपूर्ण दृश्य था वो छोड़ दिया, यानी वहाँ से रवाना हो गए। एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस, और ओलिवर लुटकिंस की तलाश को हमने पुनः शुरू कर दिया। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उसको नहीं ढूंढ सके। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड ए फ्रेंड ऑफ लुटकिंस, फिर वो लुटकिंस के मित्र के था वहाँ पर उसको घेर लिया, एंड मेड हिम एडमिट, यानी उसके मित्र को घेर लिया और उसे स्वीकार करवा लिया व्हाट ही गेस्ड, जो वह अनुमान लगाता था। ओलिवर इज गोन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ, कि ओलिवर अपने घर अपनी माँ के फार्म पर चला गया है जो 3 miles उत्तर में है। वी ड्रोव आउट देयर, हम वहाँ पर गाड़ी से गए, लेइंग प्लान्स, योजनाएँ बनाते हुए।